वीडियो में हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे और आपके सामने सब कुछ कैंडल एनालाइज वीक रीडिंग SNR प्राइस एक्शन ट्रेड लाइन सब कुछ मैं आपके सामने लगा हुआ और आप देख सकते हो कि मैं ट्रेडिंग की स्टाइल कैसी रहती है। तो सब कुछ आप लोग देखोगे इस बाइनरी ट्रेडिंग रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ईजी है जब आपको पता चलेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ गाइस, मैं सीक्रेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो है ना बाइनरी ट्रेडिंग में सीक्रेट बहुत लोगों ने रखे है कि हम शॉर्ट शॉट लेते कैसे, शॉर्ट शॉट लेना कैसे पड़ता है यार, बिना SNR लगाए बिना ट्रेड लाइन लगे सिर्फ कैंडल को देख के हमको कैसा, वो कैंडल भी नहीं देखूँ, बस देखूँ चार्ट देखूँ और जो कुछ देखना है वो बस मेरे आंखों के सामने चले और उसके हिसाब से मैं प्रो बन जाऊँ और मैं ट्रेडिंग लगाऊँ, ये कैसे वो कोई बताता नहीं है, पता है नहीं बताएगा। ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, ये लोग है ना आपको है ना स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं। स्टॉक मार्केट आप जाना कभी स्टॉक मार्केट में और देखना, वहाँ पे सेम टू सेम देखेगा, सेम टू सेम, अगर एक भी चेंजेस हुआ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके बहुत सारे सीखे, बट यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया गाइस, इसलिए ये सीक्रेट है गाइस, इसलिए मैं इसको सीक्रेट बोलता हूँ क्योंकि वो आज तक किसी ने बताया नहीं है और आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पे यूट्यूब पे। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो, यहाँ पे ही सब कुछ मैं रियल पढ़ाता हूँ, रियल नॉलेज देता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को सबकी फीलिंग पता है जब हमारा लॉस होता है हमको कितना बेकार लगता है। कोई कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, कोई कोई यहाँ पे जॉब करता है, वो जॉब करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैसा नहीं है, नहीं क्या उसका पैसा नहीं है कि पैसा पैसा होता है गाइस, नहीं क्या। तो हम लोग सबको देखेंगे मार्केट ट्रेडिंग बहुत इजी है गाइस, ये स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं बड़े बड़े, जाके देख लेना आप लोग के स्टॉक मार्केट कैसा होता है, फिर पता चलेगा आपको कि ये मेरे को क्या सिखाते थे क्या नहीं पढ़ाता था। मैं बाइनरी ट्रेडिंग है, हमको सिंगल कैंडल को ट्रेड करना पड़ता है, इसके पिछले कैंडल को ही देखना पड़ता है, ये मतलब नहीं इसका, इसको काट लूँ क्या, यहाँ से काटने का रहता ना तो मैं काट लेता इसको, यहाँ से कुछ मतलब नहीं है मेरे को है ना, एक दो तीन कैंडल देख लूँगा, ये तीन कैंडल में से क्या स्ट्रांग है क्या वीक है उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। सो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो अभी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं गाइज, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो आप, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइज, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि मेरे न्यू वीडियोज जब भी आएगी तो सबसे पहले आपको देख लोगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ गई है और आप सबसे पहले देख सकते हो उसको। सो गाइज मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ गाइज, आप बहुत लोग प्रैक्टिस करते हो और बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाए थे गाइस, किसी किसी ने लॉस भी रिकवर कर लिया, 80% 70% लॉस रिकवर कर लिया और वो फॉलो करते मुझे स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग खुद भेजी है लोगों ने। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखो USD का पेयर चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अप ट्रेंड के लिए जा रहा था, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में आ रहा है थोड़ा, तो देखते हैं सब कुछ। ये हाई लो का नहीं, इसका भी सीक्रेट, इसका भी कभी ना कभी रिवील करेंगे हम लोग क्या सीक्रेट है। जो मार्केट के जो टॉपिक्स होते हैं ना गाइस, ये टॉपिक्स हमारे काम में आते, पता है जब हम ट्रेड करते हैं तब हमको देखना पड़ता है, बट हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन प्रायोरिटी हमारे कैंडलस्टिक और वीक रीडिंग रहते हैं और बहुत कुछ रहता है, जो सीक्रेट्स रहते हैं वो कुछ सब कुछ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लो गाइज, तो मार्केट देखो ऐसा चल रहा है कुछ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा ना लगा लेता हूँ आपके सामने, तो पेंसिल कैप उन पर जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, तो इसको मैं कलर कर लेता हूँ पहले येल्लो वाला, क्योंकि येल्लो कलर थोड़ा डार्क रहता है और अच्छे से समझ में आ जाता है लेवल्स। ओके आ जा भाई, और इसको मैं बड़ा कर लूँगा यार, थीन है थोड़ा थिक कर लूँगा, बस 2% रखता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे कुछ पीछे कुछ जाएगी नहीं, लेवल कुछ लगाएगी नहीं है, फालतू लोगों के मत से बिल्कुल मत सोचना कि पीछे जाओ लेवल्स लगाओ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए हमारे इतने काम का है, तो इतने काम में ही हम लोग गेम ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले कर लेता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं इन्होंने, क्या ऐसे सेलर आए ना, चार पाँच छः बन गए हो गए यहाँ पे, ठीक है। और नीचे में लगा दिया है एक लेवल, ओके सो ये लेवल लगा दी हूँ मैंने, ठीक है। पास में रहता ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि आपको अच्छे से एकदम प्योर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऊपर में लगा हुआ SNR, नहीं तो बाकी मैंने SNR का बताया सीरीज वीडियोस बनाया हूँ, वहाँ पे देख लो, बहुत अभी आगे बहुत लगा वीडियोस, आगे बहुत सारी वीडियोस आएगी हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं हम लोग, क्या होता क्या नहीं करता, हम लोग एकदम आते ही बराबर हम जंप नहीं करेंगे मार्केट में, हमारा रियल मनी है। तो यहाँ पे मैं $500 की लूँगा, ज़्यादा बड़ी डॉलर की नहीं लूँगा मैं, जैसे कि आपको बताया हो कि मैं एक्सकेलेटर जैसे चलाता हूँ मेरी गाड़ी जो कुछ है, तो इसलिए तो मुझे 500 की लूँगा, तीन चार अच्छे लगे तो फिर मैं 1000 2000 के ट्रेड ले लेता हूँ, फिर बाद में लॉस भी होगा तो फिर मैं रिकवर करने के लिए मेरे पास सफिशियंट बैलेंस रहता मेरे अकाउंट में, इसलिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ये कैंडल कौन सी बनेगी, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। अब देखो गाइस मैं पिछली कैंडल को ही देख के मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और आपको एनालाइज करके वैसे ही देखना है और वैसे ही करना है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, नीचे से लेवल को टच करके आई है, रिजेक्शन लेके आई है मस्त, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर अच्छा बना, ऊपर से भी रिजेक्शन मिल रहा है ब्रो, वहाँ से ऊपर से भी रिजेक्शन मिल रहा है, बट इसने है थोड़ा हायर मार दिया है ये कैंडल ने और ये एकदम नीचे आ रही है क्योंकि प्रेशर मिल रहा है इसको। हम देखेंगे अब यहाँ पे अगर ये बनता है कैंडल बनने का, थोड़ा नीचे आएगा तो मैं आपकी ट्रेड लूँगा, नहीं क्या थोड़ा नीचे आएगा तो आपकी ट्रेड लूँगा, क्योंकि आपको एकदम
दो तीन सेकंड में ही ट्रेड लेना पड़ता है, तो मैं ले लेता हूँ आपके सामने एक ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया आपके सामने ही। तो यहाँ पे देखिए मेरा जैसा एनालाइज है गाइस, तो ये तो ग्रीन बननी चाहिए क्योंकि स्ट्रांग है लेवल। देखो गाइस इसके पिछले का जो कैंडल है ना, भले ही प्रेशर बेयरिश की तरफ से, बट ये ग्रीन बना है लेवल को नीचे से। जो ये लेवल है ना गाइस, उस वहाँ से रिजेक्शन भी लेके आया और इसने क्या कंट्रोल भी कर लिया, मतलब यहाँ पे बायर्स अभी भी है गाइस, और बायर्स बहुत अच्छे खासे है क्योंकि नीचे से रिजेक्शन लेके आया। बायर्स आ गए थे, वो रिजेक्शन में ही बायर्स आ गए थे, इसलिए मैंने आपके ट्रेड लिया और हमारी ये शॉर्ट शॉर्ट विन रहेगी गाइस। और ऐसी तरीके से आपको शॉर्ट शॉर्ट देख के आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेना पड़ता है गाइस, बाकी कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। बस आपको कैंडल अगर ये एसएनआर नहीं भी लगाओगे ना, फिर भी आपके ट्रेड विन होने वाले। ऐसा किसने बोला है कि एसएनआर लगाना ही जरूरी है? मैं बोलता हूँ एसएनआर लगाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो गाइस, क्योंकि आपको प्रो बनने के, जब आपको लगेगा कि मेरे ट्रेड विन होते हैं, जो कि 10 में से 8-7 ऐसे विन हो जाते हैं, और आपको विश्वास हो जाता है, मन से आता है, आपको फीलिंग आती है कि मैं प्रो ट्रेडर बन गया हूँ, मैं प्रो ट्रेडर बन गया हूँ। मैं जब आप सीखना बंद कर दोगे ना, आप लोगों से सीखना बंद कर दोगे ना, उस दिन आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। और वही मैं आपको बनाऊंगा गाइस, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे देखो गाइस ये अच्छा हमारा कुछ बना था, फिर उसके बाद में रेड कैंडल आई है, सो ठीक है। और प्रेशर भी ऊपर से आया है बेयरिश कैंडल का, नहीं क्या, क्योंकि यहाँ से जो पिछले कैंडल जिसने ये रेड कैंडल है ना, वहाँ से इसने टच करके आया है, नहीं क्या, ये वाला जो कैंडल है, ये जो वीक है ना, यहाँ से इसने ना यहाँ पर हद दिखा दी ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद से ये बेरिश कैंडल आई है स्ट्रांग वाली। और जब भी ट्रेड लो ना गाइस, आपको बीच में ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है गाइस, आपको बीच में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको एकदम फर्स्ट में 2-3 सेकंड में ही ट्रेड लो, बट बीच में कभी ट्रेड नहीं लेना है। तो ये ग्रीन कैंडल बन रही है गाइस, कभी कभी हमारा एनालाइज है ना पक्का रहता है गाइस, एनालाइज अपना पक्का रहो, वो भी चेंज मत करना, कभी डाउट मत करना कि हमारे ये जो एनालाइज था पक्का था, उसके बावजूद भी ये कैंडल ऐसा क्यों बना है, ये कभी भी आपको खुद भी विचार नहीं लाना है, मैं भी खुद विचार नहीं लाता हूँ। हो गया ना लॉस तो हो गया लॉस, बस खत्म, बन गया ना ग्रीन, बन गया ग्रीन, बस मेरा एनालाइज ठीक था और मैं वही लेके चलूँगा। आपको एक ही चीज़ पे कंसिस्टेंसी रहना है और वही चीज़ लेके सामने में चलना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन बन गया, ओके, क्योंकि मार्केट थोड़ा पिछले में भी दो कैंडल आए थे और यहाँ पे भी थोड़ा वीक कैंडल था मुझे लगा, बट यहाँ पे थोड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पे बेरिश बननी चाहिए थी, बट बुलिश बनी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे बेरिश बन सकती है बिकॉज ये जो पिछले का जो रेड कैंडल था ना, जो था स्ट्रांग था ये कैंडल, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आ रहा था और अच्छा सा बेरिश कैंडल भी बना, फिर उसके बावजूद में एक बुलिश कैंडल बना है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा कैंडल बन रहा है, उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे। और वीक रीडिंग सब कुछ आपको देखनी पड़ती है, तब जाके आपको लेना पड़ता है ट्रेड। सो हम लोग वीक रीडिंग प्राइस एक्शन हमको हिसाब से लगा के हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। हाई लो भी देखेंगे, अब मैं वो भी बताऊंगा, बट ये मार्केट, अगर मैं ये वीडियो में हाई लो बता दिया ना कि हाई लो क्या होता है, हायर लो हायर हाई, तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसका एक प्राइवेटली एकदम सेपरेटली स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो बुलिश कैंडल बन रही है, एकदम स्ट्रांग कैंडल बन रही है, नहीं क्या, स्ट्रॉन्ग कैंडल, जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने उसके बाद में ही ट्रेड लो गाइस, क्योंकि हमारा कंफर्मेशन लॉस भी होगा ना, वो हमारे मार्केट की गलती होती है, फ्लक्चुएशन न्यूज़ कुछ भी हो, जो भी कुछ भी हो, बट आपको एनालिस पक्का रखना है। तो मार्टिंगर मिले तो मैं आपके ट्रेड लूँगा। सो मार्टिंगर बहुत अच्छा, अरे यार क्यों मिस हो गया यार, हट, ऐसा हो जाता है ना फिर मेरा दिमाग खराब होता है, क्योंकि है ना कभी कभी ना इतू सी इंच की वजह से हमारा लॉस होता था ट्रेड, इतू सी इंच की वजह से, इसलिए फिर मेरे को अच्छी इच्छा नहीं होती ऐसे में। तो मार्टिंगर लग गया ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा एनालिसिस अच्छा था, क्योंकि पिछले कैंडल में है ना कैसा एकदम बुलिश एकदम स्ट्रांग आई थी, उसके बाद में है ना एक बेरिज बन रही है, अभी नेगेटिव में जा रहा है, हम देखेंगे अगर लॉस भी हो जाता है तो हम इसको रिकवर कर लेंगे 100%, ऐसा कुछ है नहीं, अपने पास सफिशियंट बैलेंस बहुत सारा है, ठीक है। ऐसा कभी सोचना नहीं कि हमारे पास अभी लॉस हो गया तो क्या करूँ यार, बहुत लोग ना डर जाते हैं लॉस होने के बाद में, फिर है ना कुछ भी कुछ है ना फटफट ट्रेड लेने की कोशिश करते उसको लॉस रिकवर करने के चक्कर में। बट आपको एनालिसिस करो ना गाइस, एनालिसिस करना बहुत मार्केट में यार बहुत है ना कैंडल्स, अभी देखो ऐसे थोड़ी है यहाँ तक कैंडल बन जाएगा, 2-3 कैंडल बस अभी मेरे को उठना है, मार्केट मेरे को भगा देगा, ऐसा नहीं है, मार्केट कभी भगाते नहीं, मार्केट चलता रहता है इस पर 24 घंटे 24 आवर्स मार्केट बनता रहता है, 24 आवर्स कैंडल्स चलते रहते हैं, उसके हिसाब से अपने को एनालिसिस करना पड़ता है, ट्रेड लेना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे कितने लोगों ने $50,000 किसी ने 12,000, अभी इंडिया के नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत लोग कंट्री के वर्ल्ड वाइड है, तो बहुत लोगों ने कितने सारे ट्रेड ले लिए होंगे, नहीं कि इतने कैंडल में कितने सारे हो गए, सोचो आप लोग। इसलिए यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि देखो वीक है ना, प्रेशर नीचे से आ रहा है, कैंडल बनी है और ये कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है। इसके हिसाब से देखो क्या करना
करने आपको लोगों को प्राइस एक्शन अपना एक फिल्टर होता है, हमको पता चलता है, वो लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको कैंडलस्टिक पे करना तो कैंडल्स को देखना पड़ता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। मैंने एक वीडियो पर्टिकुलरली बनाया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो गाइज, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया कि कैसे क्या हमको देखना पड़ता है, कैंडल वीक है स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एक्शन वीक रीडिंग सब कुछ मैंने बताया भाई, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अगर कुछ प्रॉब्लम